मंदसौर पशुपतिनाथ के पास सहस्त्र शिवलिंग मंदिर एवं तेलिया तालाब के निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार, ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस नेताओं ने की। मंदसौर पशुपतिनाथ के पास सहस्त्र शिवलिंग मंदिर और तेलिया तालाब पिकनिक स्पॉट पर गौरव दिवस के अवसर पर मंदसौर के राजा सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा का 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिमा का अनावरण किया था, पर अधूरा निर्माण कार्य में ही अनावरण प्रतिमा का किया गया और उसी दिन से जो मेन द्वार बना हुआ है तेलिया तालाब पिकनिक स्पॉट का, वही द्वार को नगर पालिका द्वारा बंद कर रखा है और अब निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे लोग मंदसौर के राजा सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा को नहीं देख पा रहे हैं और लोग निराश होकर जा रहे हैं, लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। जिला कांग्रेस सचिव कमलेश जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए शनिवार को 1:10 पर आरोप लगाते हुए कहा कि पशुपतिनाथ के पास सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के निर्माण कार्य और गौरव दिवस के कार्यक्रम एवं निर्माण कार्य में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, इस तरह का आरोप लगाया है। और जिन ठेकेदारों ने पशुपतिनाथ सहस्त्र शिवलिंग मंदिर और तेलिया तालाब का निर्माण किया है उन लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, यह मांग की है। वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद पति शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पशुपतिनाथ मंदिर के पास सहस्त्र शिवलिंग मंदिर में निर्माण कार्य के पहले ही हम लोगों ने प्रशासन सहित सभी लोगों को अवगत कराया था, यहाँ पर अच्छा कार्य होना चाहिए, पर उसके बावजूद भी जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार पशुपतिनाथ मंदिर के पास सहस्त्र शिवलिंग मंदिर में काफी भ्रष्टाचार हुआ और जो निर्माण कार्य में कमियां नजर आ रही है एवं जो फर्श लगाए गए हैं और आए दिन टूट रही है और जो भी दोषी है उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, यह मांग की गई है। आप देखिए कि पशुपतिनाथ प्रबंध समिति में विधायक जी है, सांसद जी है और भी जनप्रतिनिधि जिनके ऊपर अपन ने जवाबदारी दी है वो समिति के सदस्य हैं, और आप देखिए कि समिति के प्रमुख कलेक्टर है और कलेक्टर के देखरेख में जिस मंदिर की सारी व्यवस्था होती है उस व्यवस्थाओं को लेकर अगर वहाँ कुछ खामियां हैं तो मीडिया के द्वारा उसको उजागर किया जाता है, जनता के द्वारा उस बात को उठाया जाता है। लेकिन आप देखिए आज दिन तक क्या प्रशासन ने या प्रशासन अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने उन जो प्रबंधक है वहाँ के राहुल जी रुनवान उन पर कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं। हमने कई बार आपके माध्यम से ज्ञापन दिया, सब कुछ किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से समस्या का समाधान नहीं होगा, इस पर जो दोषी है उनके ऊपर से कम कार्रवाई हो, कम से कम ये तो लगे लोगों को, जनता को और जो धार्मिक लोग जिससे जुड़े हुए हैं उनको ऐसा लगे कि कम से कम जो पशुपतिनाथ मंदिर के प्रति जो लापरवाही हो रही है उस पर तो कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है घटिया निर्माण हुआ था? घटिया निर्माण हुआ, आप देखिए इतना घटिया निर्माण हुआ, बार बार उसको ठेकेदार को जब निर्माण हो रहा था तब भी अपन ने इस बात को बताया, हर बार अपन ने बताया, लेकिन अभी तक कोई एक जून तक नहीं रहेंगी, कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। ऐसा लगता है कि हमारी बात उठाना या आप हमसे जो प्रश्न करते हो और हम इस प्रश्न को खुल के हम इस बात का उठाते विरोध करते हैं, लेकिन विरोध नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। बंद कर रखा है, क्या कहना है? देखिए 8 दिसंबर को ताबड़तोब में मुख्यमंत्री को बुलाकर यहाँ पे मूर्ति का अनावरण करवा दिया, लेकिन निर्माण अभी भी अधूरा है और निर्माण भी बहुत घटिया स्तर का है। जैसा सहस्त्र शिवलिंग में हुआ था वैसे की वैसी दोबारा यहाँ पे ऐसा इसमें हो रहा है तेलिया तालाब पर। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने की नीयत से सिर्फ ये गौरव दिवस और ये मनाए जा रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर्फ भ्रष्टाचार के नए नए रास्ते निकाल रहे हैं, उनको ये जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसा आभा मंडल बनाते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन सारे वो अपने हित के लिए कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं। देखने में आगे यहाँ पर तेलिया तालाब और सहस्त्र शिवलिंग पशुपतिनाथ मंदिर की यहाँ की बात करें तो यहाँ पर दोनों ठेकेदारों की लापरवाही सामने आई है। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी सहस्त्र शिवलिंग का मुद्दा उठाया था, मैंने कलेक्टर को लेटर भी लिखा, लेकिन चूंकि सैया भाई कोतवाल तो डर काएगा, जब खुद ही जनप्रतिनिधि इसमें भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं तो कार्रवाई होना तो संभव है ही नहीं। बताया जा रहा है कि यहाँ के जो पार्षद पति है उनका ठेका था तेलिया तालाब। मैं बोला तो सही आपको कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काएगा, जब खुद ही भाजपा के नेता सब कुछ मिलके सब कर रहे हैं तो हाल तो मंदसौर का बेहाल होना ही है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे? कार्रवाई तो होना चाहिए लेकिन होगी नहीं। क्या लोग यहाँ पर आके मतलब सम्राट यशोधरन की प्रतिमा को देखने के लिए क्या निराश हो रहा है, क्या मानते हैं? अभी तक तो लोग आ ही नहीं पाए ना, निराश क्या होंगे, आज 3 सप्ताह होगा अनावरण हुए, लेकिन अभी लोग क्या जा रहे हैं, लोग गेट बंद होने के कारण वापस पलट के जा रहे हैं। मैं भी 2 बार पहले अपनी फैमिली को लेके आया लेकिन वापस जाना पड़ा निराश होकर।